अपनी तथाकथित शक्तियों के कारण विवादों में घिरे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहली बार दरबार लगाएंगे। सुरक्षा के कारण उन्हें प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन शुक्रवार को उन्हें कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी गई। प्रयागराज के संतों ने उनके इस कार्यक्रम का समर्थन किया है, वहीं कुछ ने विरोध भी किया है। 2 फरवरी को दोपहर लगभग 12 बजे से 3 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री संगम नगरी में रहेंगे। इसके बाद वे शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर मेजा तहसील के सेना भवन में दरबार लगा करके भक्तों की अर्जी सुनेंगे। कार्यक्रम के आयोजक इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू भैया ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस बाबत प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति की चिट्ठी मीडिया को दिखाया। माँ शीतला कृपा महोत्सव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुओं के गौरव, सनातन के पुरोधा, सनातन के रक्षक आ रहे हैं 2 फरवरी को 12 बजे माँ शीतला कृपा महोत्सव में। माता जी को प्रणाम करेंगे, बालाजी का दिव्य दरबार सजेगा और लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। अच्छा, अनुमति को लेकर हुए बड़ा संशय है कि मिली है कि नहीं? अनुमति मुझे मिल गई है, प्रशासन ने अनुमति दे दिया है। 3 दिन पहले ही अनुमति दे दिया था। हाँ, हार्ड कॉपी नहीं आ सकी। कल आप लोगों जैसे मालूम है कि हर जगह पेपर की व्यवस्था नहीं हो पाई, इतना 26 जनवरी था तो इसलिए पेपर नहीं मिल पाया। हार्ड कॉपी हमको आ जा रहा है 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। कितने घंटे का कार्यक्रम है? 3 घंटे का कार्यक्रम है। नहीं नहीं, हमको सूचना नहीं है, बाकी आप लोगों को कुछ सूचना हो तो अलग विषय है, लेकिन हमको सूचना नहीं है। हम बड़ा आग्रह करने पर, बहुत ही आग्रह करने पर हमारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए माँ शीतला कृपा महोत्सव में पधार रहे हैं। और 31 तारीख को हमारे यहाँ जागरण का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें सांसद मनोज तिवारी जी जो कि युवाओं के शान हैं और भोजपुरी कलाकारों के गौरव हैं वो पधार रहे हैं। दिनेश लाल रहुआ जी भी आ रहे हैं, उनका भी एक अलग रूप में, पहले भी आए थे 2 बार दर्शन करने माता रानी का, जब सांसद वही थे तब भी दर्शन करने दिनेश लाल जी माँ शीतला के मंदिर में आके दर्शन करके गए हैं, तो उनकी बड़ी कामना पूर्ण हुई। सांसद जी हो गए तो उनका भी कार्यक्रम इस बार लगा हुआ है, और कल्पना जी, कल्पना पटवारी जी का भी कार्यक्रम है, और क्षेत्र के कई कलाकारों का वहाँ कार्यक्रम है। तो जागरण का कार्यक्रम 31 तारीख को है, फिर अगले दिन फिर पूजन है भगवान शिव का 1.25 लाख शिवलिंग का, फिर उसके अगले दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम है 2 तारीख को, 2 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम है 12 से 3।